ये दिवाली सिटी वाली रेडियो सिटी 91.1 पर शुरू हो चुकी है ये दिवाली सिटी वाली। और आज हमारे साथ हैं क्विलिंग आर्टिस्ट मिसेस सुमेधा मारावार। वेलकम टू रेडियो सिटी। सो आपने इतनी सारी देखी, कितनी सुंदर सुंदर चीजें इन्होंने बनाई हैं। ये दिया रखने के लिए रंगोली जैसा इयररिंग्स बनाया, यार सबसे क्रिएटिव चीज तो मुझे ये लगी। ये सीनरी इन्होंने बनाई है क्विलिंग से, और ये बहुत सारे यहाँ पर एनवेलप्स हैं। और ये जो मटेरियल आप लेकर आती हैं सुमेधा जी, ये कहाँ अवेलेबल होता है, ये कौन से भी स्टेशनरी शॉप में आपको मिलता है? ये देखिए, पेपर की पतली पतली सी स्ट्रिप्स होती हैं अलग अलग कलर्स की, और इनसे बेसिकली ये जो क्विलिंग है वो की जाती है। और इसलिए आज हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपने घर पर भी क्विलिंग करें और ऐसी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाएं। सो एक छोटा सा सैम्पल, एक कार्ड डेकोरेट कर रही है, यहाँ पे एक छोटा सा एनवेलप है, इसे डेकोरेट कर रही है सुमेधा जी, और हमें सिखाएंगे कि कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सुमेधा जी, बताइए। ये क्विलिंग नीडल होती है, ये यूज करके इससे बनाते हैं। ओके, सो ये इसमें डाला जाता है नीडल के अंदर, और इसे इसका ट्विस्ट किया जाता है, रोल 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 एंड रोल। ओके, जिस तरह का रोल बनता है अमेजिंग। ओके, इसे लूज करके आपने कोई भी ब्लू आप लेकर के उसे स्टिक कर लीजिए। हाँ, प्रेस कर दिया तो लीड बन जाती है। श्योर तो यार असल मतलब सर्कल अगर आप रखना चाहें तो उसको सर्कल भी रख सकते, और ऐसे लीड बनाने के लिए उसको एक कॉर्नर पर हल्का सा प्रेस करना है। काफ़ी अच्छी हो गई है प्रैक्टिस करते करते, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आपको एक एनवेलप बनाने में आई थिंक लग जाएगा 15 से 20 मिनट। अलग अलग शेप्स, बस वो आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कैसे कैसे शेप्स बनानी है। आयल भी सीख रही है मेरे साथ साथ, yes. वीडियो लेते हुए। कमाल है ये। ऑलराइट, और थोड़ा सा देयर आर सो मेनी लड़कियों वाला अगर नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। मोती है, पत्तियां हैं, मतलब देखिए आप बाजार से कार्ड लेके आते हो, या तो फिर आप सुमेधा जी को आप ऑर्डर दीजिए, है ना, और या फिर अपने घर बनाइए, हाथ से बना के कार्ड देते हैं तो मजा आता है। सीक्रेट है आपके साथ में शेयर कर लिया है, और ये ब्यूटीफुल सा बन के और हमने आज सीख लिया, हम लोग भी अपने घर में जरूर ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच सुमेधा जी यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू।